गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं मान सर का धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस सुंदर शाम में हमें एक साथ जूम मीटिंग में एकत्र करके रखे हुए हैं, जुड़े हुए हुए हैं, तो थैंक यू मान सर। हमारे डायमंड लीडर मिस्टर सी सांदा सी ने और आर के सर का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी आज अपने टीम के साथ सभी को इस माहौल में बनाए रखा है, मोटिवेट किए हुए रखा है। तो आज के दिन मैं आप लोगों के सामने मेरे कुछ एक्सपीरियंस जो आज से पहले यानी कि सेफ शॉप से पहले मैं क्या था और सेफ शॉप में आने के बाद मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, मेरे लाइफ में मैंने इस सेफ शॉप से क्या क्या सीखा और आगे के लिए मेरा और मेरे टीम के क्या प्लान है, तो ये छोटा सा शेयरिंग मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूँ। तो सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दीपेन है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में मेरा जन्म हजारीबाग में हुआ। हजारीबाग झारखंड में रांची से बहुत ही पास 90 किलोमीटर पे है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। हजारीबाग में जब मैं था तो मेरा एक ऐसा मानना है कि मैं वहाँ पे बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज वहाँ का माहौल ऐसा था। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई और बहुत सारे रास्ते मेरे लिए ऐसे खुले जिसके कारण मैं वहां से आज आप लोगों के सामने और इस सेफ शॉप में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी स्कूलिंग टीचर्स ट्रेनिंग प्रैक्टिस मिडिल स्कूल सीतागढ़ हजारीबाग में हुई। वहां से मैंने अपना हाई स्कूल वहां के बहुत जाने माने स्कूल सेंट रॉबर्ट्स में किया। बहुत सारे लोग हजारीबाग के आज भी हमारे इस टीम में है तो वो सेंट रॉबर्ट्स के बारे में जानते होंगे। हजारीबाग में मैंने सेंट रॉबर्ट्स यानी कि हाई स्कूल में पढ़ाई करने के टाइम में अपने आप में जाना कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे स्किल है जो मैं डेवलप करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकता हूँ, यानी कि मैं अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने ये सुना लोगों के द्वारा कि दीपेन के पास बहुत ही एक अच्छी नॉलेज है, बहुत ही अच्छा स्किल है, वो है उसका ड्रॉइंग स्किल, उसके कुछ डिजाइन सेंस। तो लोगों ने मुझे प्रमोट किया, लोगों ने मुझे बताया कि आप अपनी स्टडी को आगे के लिए भी ले जा सकते हो, आगे अच्छा कर सकते हो। तो लोगों के इस कहने पे मैंने अपने आप में थोड़ा परखा कि क्या इस काबिल हूं मैं या नहीं हूं। मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अपने सीनियर्स के और भैया की मदद से अपना हायर एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में फाइन आर्ट्स के लिए एडमिशन लिया। फैमिली बैकग्राउंड जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया, मेरी छोटी बहन और भाभी के साथ दो बच्चे भी हैं, तो एक मेरा छोटा सा फैमिली है। फैमिली में पापा टीचर थे, पापा रिटायर हो चुके हैं आज से 8 साल पहले। तो टीचर को उस टाइम में जब हम स्कूल में थे तो उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी और हर एक घर में ये प्रॉब्लम होता है कि सैलरी कम होने से लोगों में उस फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं जब बाहर की स्टडी के लिए बनारस गया तो बनारस में आने से मुझे वो दिक्कतें तो आई नहीं, कारण कि बनारस का जो फीस था वो बहुत ही कम था। मैंने यहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब मैंने अपने आप में पाया कि मैं इससे और भी अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने और भी सजेशन पाकर अपनी स्टडी इंडिया के टॉप मोस्ट डिजाइन कॉलेज जिनका नाम है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, वहां पे मैंने अप्लाई किया। अब इस डिजाइन फर्म की एक खास बात थी कि ये इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते थे। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया थे, एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना होता था, 3 चरण में होता था जो कि बहुत टफ होता था। मैंने वो भी क्वालिफाई किया क्योंकि मेरे अंदर एक चाहत थी कि मैं आगे की ओर बढ़ूं, जो कि आज भी मैं चाहता हूं कि मैं इस काम में आगे बढ़ूं। तो उस चाहत ने मुझे NID में जरूर लाया। लेकिन वहां भी जाने के बाद जब एडमिशन मेरा हो रहा था और मैंने मम्मी पापा से जिक्र किया था कि पापा मैं NID में अपना एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेकिन एडमिशन में जो फीस है वो तकरीबन 3.5 साल का लगभग 5.5 लाख के आसपास है। तो पापा मुझसे, मुझे आज भी याद है, पापा ने मुझे मना कर दिया था। तो पापा ने मुझे बोला कि आप आगे के बारे में सोच सकते हो क्योंकि इस फीस को मैं देने लायक नहीं हूँ। तो ये डिसीजन सुनकर मैं अपने आप में तो हार गया, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी सीनियर्स थे,
ऐसे भी जान पहचान थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसके लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हो, आगे की पढ़ाई के लिए आप लोन ले सकते हो। तो मैंने लोन के द्वारा अपने स्टडी को, डिजाइन फील्ड को आगे बढ़ाया, मैं स्टडी अच्छी से किया, मैंने बहुत सारे कॉलेज के टाइम में भी बहुत कुछ अचीवमेंट किया। अचीवमेंट के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगा तो वहां पे जो चीजें थी वो बहुत ही हटके थी। लाइक एग्जांपल, हमारे जो एग्जाम्स होते थे वो पेपर पे नहीं होते थे, वो जूरी पैनल्स बैठते थे। आपको आगे जैसे हमारे पास सेमिनार होता है, सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है और आपको जूरी पैनल्स के सामने बोलना होता है, आपके काम के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सब बातें चल रही थी और ऐसे करते हुए वो सेशन 3.5 साल का मैं NID में खत्म कर चुका। और जैसे ही बाहर निकला तो मेरे पास, जो कि मेरे पास ही नहीं, हर एक व्यक्ति के पास ऐसे होता है कि व्यक्ति एक ग्रेजुएशन के बाद, कंप्लीट करने के बाद, वह आगे की लाइफ के लिए अर्निंग चाहता है कि मेरा लाइफ सेटल हो जाए, मैं अच्छा पैसा कमाऊं, मेरे को ये चाहिए, बाइक गाड़ी, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। और बहुत सारे मैंने मेल अप्लाई किए, जहाँ जहाँ मेरा इंटरेस्ट था, जहाँ जहाँ मैं चाहता था कि मैं जॉब करूँ, मैंने बहुत सारे मेल डाले। मुझे याद है लगभग 23rd मेल मैंने जब पोस्ट किया, उससे पहले मुझे कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं आया। 23rd मेल इज माई लकी मेल। उस दिन मेरे को दिल्ली से एक रिप्लाई आया कि आप दिल्ली में एक एग्जिबिट डी इंटीरियर फर्म में, स्टूडियो में, प्राइवेट सेक्टर में आप हमारे साथ काम कर सकते हो। तो मैंने बहुत सोच समझ के इस फील्ड में इंटर किया और मैं दिल्ली में 2011 से अपने जॉब में लग गया। ये मेरे लिए ऐसा था कि मुझे सोना मिल गया, मुझे कुछ नई चीज मिल गई और मैं बहुत खुश था, क्योंकि जॉब में एक सबसे अच्छी चीज होती है तनख्वाह, सैलरी, पैसे मिलना। तो मैं उस तनख्वाह से और उस काम से बहुत खुश था। रोज दिन की दिनचर्या वैसी बीत रही थी जैसे आज के दिन लोगों के पास जॉब में चलती है, क्या सुबह उठना, रेडी होना और जॉब पे चले जाना, फिर महीने के लास्ट में अपने बॉस के पास वो तनख्वाह की बात करना। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा था, लेकिन भी जो तनख्वाह थी मेरी, उससे मेरे लाइफ में या तो मेरे लिए वो सफिशियंट नहीं थी। मैं चाहता था कि और भी इससे अच्छा कमाऊं, मैं चाहता था कि मैं और भी कुछ आगे एक्स्ट्रा काम करूं। ये सारी दिक्कतें, ये सारी सोच मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था। और इस बीच मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहता था। लक्ष्मी नगर ऐसे देखा जाता है कि बहुत ही पॉश एरिया है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत भीड़ होते हैं, वहाँ पे CA के स्टूडेंट बहुत भरे होते हैं। तो मैं भी उस भीड़ में जब जॉब के पास जाता था तो मैं, मेरे मन में एक सवाल आता था कि अगर आज के स्टूडेंट यहाँ पे है तो उसमें क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरे जो सपने हैं वो मैं इन लोगों के बीच में पा सकता हूँ, क्या मुझे इससे अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। तो ये सब बातें ऐसे चल रही थी जैसे हर कोई सोचता है। तो दिल्ली में मैं लक्ष्मी नगर में अकेला था, आसपास के कुछ रेंटर्स थे, दोस्त बन गए थे, लेकिन दिल्ली में जानने वाले सिर्फ मैं अकेला था। तो इसी बीच मैंने अपने घर पे एक बात छेड़ा कि मम्मी, मेरे को एक दिल्ली में ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनके पास मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो इसी बीच मम्मी ने मुझे हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर, हमारे पर्ल लीडर मिस्टर इग्नासियस क्रिकेटा का नंबर मम्मी पापा ने मुझे दिया। मम्मी पापा से नंबर लेने के बाद मैंने बात स्टार्ट किया, मैंने बातें की। और ईद संडे छुट्टियों में मैं इग्नास सर के यहाँ पे गाजियाबाद चला जाया करता था, कारण कि जॉब में इतना तनाव होता था, उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं वहां जाता था। तो उसी बीच इग्नास सर के बीच ये आना जाना तो चलता रहा, लेकिन जो मेरे काम का बर्डन था वो और भी बढ़ गया। इस बीच मैं कुछ काम से हमारे जो क्रिकेटर है नवजोत सिद्धू, वो हमारे जिस स्टूडियो में मैं काम करता था प्राइवेट सेक्टर, तो नवजोत सिद्धू हमारे क्लाइंट थे। तो नवजोत सिद्धू के घर होली सिटी मैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए गया हुआ था, एक सप्ताह के लिए। तो इग्नास सर, जो हमारा एक रूल्स है कि हमारे सिप शॉप में आने के लिए अपने लिस्ट में किन्हीं जानने वाले के लोगों का नाम लिखना, तो भगवान का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। और इग्नास सर हमारे ग्रेट अपलाइन डायमंड सर, सांता सर के साथ, और पर्ल लीडर
शांतनु सर के साथ मेरे फ्लैट में पहुंच गए। अब जब वहां पे पहुंचे तो उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मेरे रूम पार्टनर वहां पे थे। सभी सर ने मेरे रूम पार्टनर से डिस्कस किया, उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग की, उन्हें इवॉल्व भी पहुंचाया। और इवॉल्व पहुंचाने के बाद मेरा पार्टनर इस बिजनेस, वंडरफुल बिजनेस दैट्स कॉल्ड सेफ शॉप में ज्वाइन हो। क्योंकि उस टाइम में मैं सर का नाम नहीं जानता था, शांतल सर को जानता नहीं था, मैं शांतनु सर को जानता नहीं था, तो दोनों सर के साथ आ गए। अब शांतल सर, इग्नेस सर और शांतनु सर ने मेरे साथ जो प्रोस्पेक्टिंग की, मेरे साथ जो प्लान दिखाया, मैं वो आज तक नहीं भूलता और ना कभी भूलूंगा। क्योंकि उस दिन जो प्रोस्पेक्टिंग शांतनु सर ने मेरे साथ किया, जो बातें शांतल सर ने मेरे साथ किया, वो वाकई काबिले तारीफ थी। क्योंकि उस दिन मैंने और मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा बात नहीं किया कि आप ऐसे काम कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ से ये कमा सकते हो, आप 40 लाख रुपए कमा सकते हो। तो मेरे को थोड़ी सी हंसी भी आई, मुझे, मैं तो उस दिन थोड़ा हंसा भी था। तो ये सारी बातें करने के बाद मैंने एक, हर एक आदमी में एक नेचर होता है, थोड़ा सा ईगो भी होता है, तो शायद मैंने उसी ईगो के चलते सर लोगों को बोल दिया, सर ये काम मैं नहीं कर सकता। और ये काम करने नहीं कर सकता बोलने के बाद मैंने सर, सभी सर को लगभग 1 महीने तक गोलियां मारी, यानी कि गोलियां दी। मैं उनसे भागता रहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहा, लेकिन भगवान भी चाहते थे। 1 महीने के बाद, 1 महीने से थोड़ा सा पहले, डायमंड सर, शांतनु सर और एग्नेस सर फिर से फॉलोअप के लिए आए और वहां पे मेरा फॉलोअप किया। और मैं एग्री हो गया कि मैं इस काम को एक आईडी से स्टार्ट करूंगा। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम में एक प्रोसेस होता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, उतना अमाउंट होना चाहिए। तो मेरे पास, मैंने जब अकाउंट देखा तो आई रिमेम्बर मेरे पास 1500 रुपीज मेरे अकाउंट में था। क्योंकि उस टाइम पे मेरे मोबाइल में मैसेज आया हुआ था जो कि पैसे निकालने के बाद आता है, तो 1500 में कोई ज्वाइनिंग होती नहीं। तो इस काम को मैंने सर के पास बोल दिया कि सर मैं स्टार्ट जरूर करूंगा, लेकिन एक आईडी से करूंगा। इतना कहने के बाद मैं शांतनु सर को और शांता सर को प्रॉमिस किया, मैं कल आपको ऑफिस के बाहर, क्योंकि मेरा ऑफिस लाजपत नगर डिफेंस कॉलोनी में था, उसके बगल में जो आईसीआईसी बैंक है, हम वहां पे मिलेंगे। तो शांतनु सर ऑन टाइम 3 PM, क्योंकि शांतनु सर बहुत पक्के हैं टाइम के, वो टाइम से पहले पैसे लेने के लिए पहुंच गए, क्योंकि ज्वाइनिंग करानी थी। और उस बीच मैं ऑफिस में था, सर ने मुझे कॉल किया, हम आईसीआईसी बैंक में बैठे। और मैंने जब शांतनु सर के हाथ में पैसे दिए, तो वो कोई 10,000 रुपये नहीं था, वो तकरीबन 25,000 के आसपास था, जो कि 3 ID का था। और इस आईडी, 3 ID से मैंने इस वंडरफुल बिजनेस सीप शॉप को मैंने स्टार्ट किया। और इस जो टर्म में मैंने यहाँ पे ये सीखा कि जो शांता सर, शांतनु सर मेरे पास बार बार आए, मेरे से मिलने बार बार आए, मेरे से मिलने बार बार आए, दैट मीन्स फॉलोअप किए। तो आई लर्न कि इस बिजनेस में हमें फॉलोअप पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर सर मेरे को फॉलोअप नहीं करते तो आज मैं सिल्वर नहीं बनता, आज मैं मानसर और इस जूम में आप लोगों के सामने नहीं रहता, और आज मैं गोल्ड और पर्ल के नजदीक नहीं पहुंचता। तो ये फॉलोअप का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही सुंदर था। तो मैंने वहां से ये फॉलोअप कैसे करना है, ये मैंने सीखा। अब जब ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, हर एक व्यक्ति के पास एक लालसा होती है कि इस बिजनेस को फटाफट दूसरे लोगों के पास बताए। ऐसा बताने के टर्म में मैं करता क्या था, एक्चुअली मैं करता था, कभी कभी ऑटो वाले से, जब मैं YMCA सेमिनार हॉल पे जाता था, तो मैं उनको, उनसे ही बातें करने लग जाता था। तो इस बातें करने के टर्म में बहुत सारे ऑटो वाले और बहुत सारे मेरे रेंट के आसपास वाले भी मान जाते थे कि वाकई में ये लड़का बताना क्या चाहता है। तो वो मेरे साथ बहुत बार YMCA के सेमिनार हॉल में गए, और जहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग तो मुझे करनी आती नहीं थी, बस मैं लेके जाता था। और आई रिमेम्बर मैं उस टाइम में बहुत गिफ्ट जरूर लेता था, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं आने के कारण उसमें से सिर्फ 0, यानी कि 0% कोई नहीं जाता। तो शांता सर हमेशा मुझको बोलते थे, आप हमेशा 0 लेके आते हो। तो बाद में शांतनु सर और शांता सर मेरे साथ हर एक ऑफिस के बाद मेरे से मिलते थे, मुझे सिखाते थे। और उसके कारण हुआ क्या, वो मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाते थे कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के टर्म में शांतनु सर, क्योंकि उनको सेल्स का बहुत आइडिया था,
वो मुझे सिखाए कि आपको सेल्स में ये करना पड़ेगा, आपको ऐसे बातें करनी पड़ेंगी। तो मैंने जब इस प्रोसेस को अपने में लागू किया तो वाकई में इसके रिजल्ट्स आने लगे। मैं सेमिनार में कभी 2, कभी 8, कभी 5 ऐसे लोगों को लेकर जाने लगा। और इस प्रोसेस में YMCA में जो एक सेमिनार था मेरे ज्वाइनिंग के, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने के बाद, सांदा सर ने मुझे एक टास्क दिया। मैंने पीठ पे हाथ रखे और बोले कि दीपेन जी, आज सेमिनार को आप संबोधित करेंगे। तो मेरे लिए ऐसा डर था कि मैं किसी का शायद मर्डर कर दिया हूँ, मुझे कोई मारने वाला है, तो वो घबराहट थी मेरे अंदर। तो मैंने उतना सोचा नहीं, लेकिन सांदा सर के जो वर्ड्स मुझे उस दिन के याद आते हैं, वो वर्ड्स थे कि आप जाओ, आपको जितना आता है आप उतना बोल के आना, पीछे हम खड़े हैं। दैट मीन्स अपलाइन ऑलवेज विथ अस, हमारे साथ रहते हैं। तो ये सोचकर मैं उस सेमिनार को स्टार्ट किया, और उस सेमिनार को स्टार्ट करते हुए मैं दिल्ली से आज हजारीबाग या तो रांची या तो बनारस में सेमिनार को करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि लोगों के सामने आना ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, डर था। और इस प्रॉब्लम और इस डर के कारण मैं बहुत बहुत सारे स्टेज में सक्सेस नहीं हो पाता था। अब ये प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, ज्वाइनिंग्स आने स्टार्ट हुई, तो ये प्रोसेस जब ज्वाइनिंग के टाइम में, हॉट मार्केट की बात करते हैं, मैंने घर से तो ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दिया। 5-6-7 लोग की ज्वाइनिंग हो गई। अब ज्वाइनिंग के बाद लोगों को सिखाना भी है, तो इसके लिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं थी। वाई बिकॉज मैं जॉब में था, तो इस जॉब में रहते रहते मैं कर नहीं सकता। तो बहुत सोच समझने के बाद मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करने का निश्चय किया, और सांता सर के साथ, क्योंकि सांता सर मुझे याद है, एक इवॉल्व में आए हुए थे रांची, और उनका एक ट्रिप था दिल्ली टू रांची, रांची टू पटना और पटना टू दिल्ली। तो मैं, सांता सर और मेरी फ्रेंड है आभा दीपिका, उनके साथ हम रांची के बस स्टॉप में एक बहुत ही खास खास बात के लिए रुक गए। तो मेरे मुंह से एक बात भी निकल गई, सर इस बिजनेस को मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ। और मैंने 2017 को निश्चय किया कि इस बिजनेस को मैं फुल टाइम करूंगा, और उस दिन से आज तक मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। इस ज्वाइनिंग के टाइम में जब मैं सिल्वर नहीं बना था, तो बहुत सारे लोग तो मेरे साथ आ गए, लेकिन उनको सिखाने के लिए अब मुझे उनके साथ रहना था। तो मैं तो इस काम को करने के लिए शांतनु सर और शांतनु सर, एग्नेस सर ने जो मेरा साथ दिया, वो इसलिए क्योंकि मैं इस काम को आगे करना चाहता था। मैंने बहुत बार पीछे मुड़कर आने, वाई बिकॉज घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होने के कारण कभी कभी मैं पीछे हट जाता था, तो मम्मी पापा परेशान हो जाते थे। मुझे एक इंसिडेंट याद है, सर एक इवॉल्व में रिम्स रांची पे गए हुए थे, और उस दिन हर सर भी थे, और उस दिन मैंने अपने फैमिली में मानसर से अपनी पूरी फैमिली को मिलाया। मम्मी का उस दिन के बीच इवॉल्व में मुझे बुलाकर, एक याद मुझे बहुत याद आता है कि सुबोध सर जब उस स्टेज में बोल रहे थे, तो मम्मी ने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा आप वहां पे कब जाओगे। तो मैंने उस दिन मम्मी को बोला था कि अब तो सिल्वर बन चुका हूँ, अगली बार गोल्ड बनकर जरूर आऊंगा। और मैंने मेहनत करके गोल्ड भी अचीव किया। लेकिन गोल्ड बनने से पहले जब मेरी टीम हजारीबाग, रांची, गुमला, बिहार और बनारस में थी, तो टीम थोड़ी स्लो चल रही थी। लेकिन उस समय इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरी बहुत ही एक दमदार डाउनलाइन है, हर नेम इज गीता देवी, वो मेरे लिए एक लाइक लकी थी कि उनके द्वारा बिहार में जो सेल्स आए, बिहार से जो सेल्स आए, वो बहुत ही वाकई एक काबिले तारीफ थी कि उनके द्वारा मेरी टीम में एक जान आ गई। क्योंकि एक लेडी का अकेले बिहार से फोन के द्वारा, बिकॉज उनको बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, वो ज्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन उनके द्वारा उन्होंने बिहार से सील लाकर जो ताकत हमारा ही नहीं, मुझे मेरा ही नहीं, पूरे टीम का जो बढ़ाया था, वो वाकई काबिल तारीफ थी। और ये जो सिलसिला था सेल्स का, ये तो आज भी चलता आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, या तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी मैं बीच में रुक जाता हूँ। कारण कभी कभी मैं सिस्टम से हट जाता हूँ। लाइक एग्जाम्पल, मेरे अंदर कभी कभी लाइक नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे घर के आसपास रहता है, तो मैं सर लोगों को रिपोर्टिंग करना भूल जाता हूँ। तो रिपोर्टिंग
जब हम किसी बात को सीनियर्स के पास, अपलाइन के पास रखते हैं, रिपोर्टिंग देते हैं, तो व्यक्ति सीखता है, वो उससे आगे बढ़ने के लिए सीख लेता है। बहुत बार दिमाग में ऐसे विचार आते थे कि मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं इस बिजनेस में आ चुका हूँ, और इस बिजनेस में आने के बाद ये काम अपने से और अकेले हो जाएगा। अभी जो टाइम चल रहा है, जो कठिन परिस्थिति है, हम सभी घर के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ से आज मेरे मन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आज के बाद जहाँ प्लान दिखाना नहीं होगा, जहाँ पे मैं लोगों के सामने नहीं बैठूंगा, तो मैं अपने इस बिजनेस को कैसे बढ़ा पाऊंगा। तो जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग, यानी कि नॉलेज लेकर हमें खुद पे और अपनी टीम को बताना पड़ेगा, तभी ये जो सिस्टम है लोगों तक पहुंच सकता है, टीम तक पहुंच सकता है, और हम इस बिजनेस में इस लॉकडाउन के रहते हुए भी कुछ अचीव कर सकते हैं। आज के बाद, यानी कि जो मेरा टीम, मेरी और मेरी टीम का जो एक एम है, एक लक्ष्य है, कि आज के बाद जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, मैं पर्ल के बहुत नजदीक हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पर्ल लेवल को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस पर्ल लेवल में या तो कोई भी लेवल को पाने के लिए आपके लेफ्ट और राइट में पार्टनर्स चाहिए। पार्टनर्स मुझे बनाने होंगे, जो लेवल्स है उसको पाने के लिए मेरे नीचे जो गोल्ड है उनके साथ मुझे काम करके उन्हें ऊपर के लेवल के लिए उन्हें मजबूती देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। जो फ्रेशर है उन्हें सिल्वर बनाना पड़ेगा। ऐसे मेरे और भी टीम के लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम करना जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो कभी कभी पीछे हट जाते हैं। ये होता है मोटिवेशन की कमी से, या तो हम कॉलिंग नहीं कर पाते हैं, उनसे टच नहीं हो पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लॉकडाउन में जितने कॉल्स आज मैं करता हूँ उससे और भी ज्यादा कॉल करूँ, क्योंकि रिलेशन बिल्ड करना इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है। और आज के बाद जो भी मैं एक आप लोगों के सामने, या तो मानसर के साथ या तो मेरे अपलाइन के सामने, मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने आज से पहले जो नहीं किया, जो करना चाहिए था जो नहीं किया, और जिसको करने से वो हो सकता है, यानी कि हम अच्छे लेवल को पा सकते हैं, तो मैं आज से वो सारी चीजें जरूर करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसके बिना हम लक्ष्य को नहीं पा सकते। दूसरा कि इस बिजनेस को शुरुआत तो जैसा मैंने किया, मैंने इस बिजनेस में आया, मेरे ड्रीम्स है, मेरे सपने हैं, तो इस बिजनेस को मैं ही पूरा करूंगा। तो हर एक व्यक्ति को, हम सभी को पहला कदम अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। पीछे हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, जो कि हमारी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। दीपेन, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। विजन बोर्ड तैयार किया? सर, मैं अपना विजन बोर्ड तैयार कर चुका हूँ, आई डिस्कस विथ यू कि मैं आपको सेंड करूंगा। अभी दिखा सकते हो स्क्रीन पे? ओके सर, पेरिंग में, वेट सर, मैं दिखा रहा हूँ। तो सर, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, लेकिन इसमें मैंने डेट कॉपी में डाला ही है, अभी मेंशन नहीं किया यहाँ पे। तो सर, दिस इज द पर्ल प्रमोशन, जिसमें आप हैं और मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है आभा और हर्ष सर है। मैं ये पोजीशन इस तरह का पर्ल लेवल में अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो सर, दिस इज द सेकेंड स्लाइड, जिसमें लैपटॉप है जो कि एचपी का है, मॉडल इज 15SEQ00007AU, और जो कलर है और उसका प्राइस 31,999, और ये डेडलाइन मैंने रखा है कि ये 28/9/20 तक मैं ये हासिल कर लूँ। एंड इसका पर्पस मैंने साइड में लिखा है, व्हाई, बिकॉज फॉर माय वंडरफुल प्लान, मतलब कि मैं इसे प्लान दिखा सकता हूँ टीम के लिए, और बिजनेस ग्रुप में मेरी हेल्प करेगा डेटा रखने में, वीडियो दिखाने में, वेरी गुड। और जो लास्ट है रिटेल परचेजिंग में। सर, दिस इज द स्लाइड जो मेरा हेल्थ से रिलेटेड है। तो सर, राइट साइड में जो अक्षय कुमार है, ही इज माय बहुत ही फेमस एक्टर मेरे लिए है। तो इनका जो स्पोर्टी लुक है वो मुझे बहुत पसंद है, और इनकी जो एक्ट, उनका जो ये जो करते हैं, लाइक 4 बजे उठ जाना, हर एक चीज के लिए आगे बढ़ के रहना, तो जो हेल्थ मैं चाहता हूँ इनके जैसा चाहता हूँ, और जिसमें हेल्थ हेल्थ में जो मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह रोज उठ के 1 घंटे अपने आप को दूंगा, 300 क्रंचेस करूंगा, 100 100 पुशअप्स करूंगा, और वेल्थ में लगभग जैसे मैंने लिखा है 35,000 के आसपास एक मेरा दिसंबर तक का टारगेट रहेगा। अगर इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो ये मेरी हेल्प कर सकता है। दीपेन, क्योंकि आप बता रहे थे, शांता जी बता रहे थे कि आप बता रहे थे कि 14 स्लाइड्स बनाई हुई हैं,
मैं एक बार सबको बताना चाहता हूँ दीपेन के माध्यम से, आप सबको जो जो मुझे सुन रहे हैं, आज करूंगा आज की मीटिंग को, वो ये कि दीपेन ने जो स्टार्ट किया है विजन बोर्ड बनाना, इसमें 14 स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए, ये एक ही एक बोर्ड होना चाहिए, एक सिंगल बोर्ड होना चाहिए, और इस सिंगल बोर्ड पे सारी चीजें होनी चाहिए जिसमें चार कैटेगरी हो। मैं रिपीट करता हूं दोबारा से कि एक सिंगल बोर्ड होना चाहिए जिसमें चार कैटेगरी हो, जिसमें एक कैटेगरी हो हेल्थ और फिटनेस को लेकर, जितनी भी चीजें आपकी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है वो एक कॉर्नर में रहे, दूसरा एक कॉर्नर होना चाहिए आपका वो है वेल्थ को लेकर, कि आपके बैंक बैलेंस कितना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना हो, एफडीज में इन्वेस्टमेंट कितना हो, या उस पैसे से आप क्या क्या परचेज करने वाले हैं, और तीसरा एक कॉर्नर होना चाहिए आपका प्रोफेशनल, कि आपने कौन सी प्रमोशन अचीव करनी है और प्रोफेशनली आप क्या क्या चाहते हैं अपने करियर में, और चौथा एक कॉर्नर होना चाहिए होम और फैमिली को लेकर, कि आपके घर को लेकर, आपके परिवार को लेकर और फैमिली मेंबर्स के लिए आपका क्या विजन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर रहे हैं ज्यादातर लोग विजन बोर्ड में, विजन बोर्ड एक सिंगल बोर्ड होता है पहली चीज, इसमें चार कैटेगरीज होती है दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये विजन बोर्ड 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल का नहीं होता, विजन बोर्ड इज मेंट फॉर 1 ईयर। इसको आप चाहे तो दिसंबर 2020 तक के लिए बनाइए, मैं आपके ऊपर चॉइस पे छोड़ देता हूं, मर्जी है आपकी, चाहे तो उसको आप बनाइए 2020 December 31st तक के लिए, या आप इसको फाइनेंशियल से कनेक्ट कर लीजिए 31 मार्च 2021 के लिए बना लीजिए। तो विजन बोर्ड सिंगल बोर्ड होना चाहिए, चार कैटेगरीज होनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो चीजें आपको इस फाइनेंशियल में या इस कैलेंडर ईयर में, आइदर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल जो इस साल में अचीव करेंगे, और तीसरी चीज कि चार कैटेगरीज में होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, और उसके नीचे एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है कि मैं हर हाल में इसको अचीव करके ही रहूंगा, और आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसलिए सिंगल बोर्ड 4 कैटेगरीज ओनली फॉर ए कैलेंडर ईयर और ए फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल में इस कैलेंडर ईयर में, कहते हैं इन लॉन्ग रन, हम कहते हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म ये, लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म विजन, एक बहुत पुरानी कहावत है और सब इस बात से एग्री करेंगे, इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड।